बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको आखिरी दो क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखे 9, इस नात का खुलासा तहरीर करें। लेकिन प्यारे बच्चों, नज़म का हम मरकज़ी ख्याल करते हैं और कहानी का हम खुलासा करते हैं, इसलिए हम खुलासे की जगह मरकजी ख्याल करेंगे। चलें, सबक नंबर 6 में नात का मरकजी ख्याल बयान करने लगे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन का लकब अता किया गया और बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम महलूकात के लिए सरापा रहमत और शफकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के गम गुसार और हमदर्द थे। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रह गया हुआ था, वो करते हैं। दर्ज ज़ैल अल्फाज मुहावरात के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी जुमले, गम खाना, फिक्र करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और पराए का गम खाने वाले थे। मुराद भर लाना, ख्वाहिश पूरी करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादें भर लाने वाले थे। दरगुजर करना, माफ़ करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दरगुजर से काम लिया। ज़ेरो ज़बर करना, तह बाला करना। दीनी हक ने बातल को ज़ेरो ज़बर कर दिया। काया पलटना, हालत बदलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अरबों की काया पलट गई। शीरो शकर करना, बहुत दोस्ती करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल को शेरो शकर कर दिया। स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों क्वेश्चन का होमवर्क कॉपी पे नीट एंड क्लीन करना है और आपने इसको ज़ुबानी लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज़।